सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस्मा, ये तुमने क्या किया? मेहमत पाशा का नाम क्यों लिख दिया? ये बहुत जरूरी था मेरी सुल्ताना। अगर आप नाकाम हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, फिर चाहे महल हो या सहरा। हिरम को तलाश करो और मालूम करो उसने किताब किसको दी। अफसोस के सुल्तान ने शेखुल इस्लाम और अहले फतवा को तलब भी कर लिया है और भाई मुराद के कत्ल का जवाब तलाश किया जा रहा है। जवाब मुस्बत होने की तवक्को है। सुबह हम उस जारी शुदा फतवे पर नजरसानी करेंगे, फिर उस पर दस्तखत करके आपको पेश कर देंगे। अगर आपके बाबा ने आलम बुलंद कर दिया तो फौज में साबिक सुल्तान की बैत करने वाले सिपाही मौजूद हैं। बहुत सी यूरोपीय रियासतें और पाए तख्त की अकलियतें भी उन पर एतमाद करती हैं। यहाँ आने से पहले मैंने अपना सारा सामान सारा के हवाले किया था मेरे सुल्तान। जो कुछ याद था एक किताब में लिख दिया था और वो किताब भी सारा के पास ही है। मगर इस वक्त वो किताब हर्जल के पास है। थियोडोर हर्जल। सिपाही के हाथ पे तस्वीर थी तुम्हारी, तुम्हें तलाश किया जा रहा है। ये वो खत है जो मकबूले जाते हुए छोड़ गई थी, इस पर उसके दस्तखत भी हैं। महमूद पाशा, महमूद पाशा, महमूद पाशा, कौन है? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये क्या मस्करी है बेवकूफ? वालिदा महल गई हैं। अच्छा, वो महल गई हुई है? सबहद्दीन, सुबह सहरी में मैंने इतना सारा खाना खा लिया कि खा खा कर थक गया मैं। अब तुम जाओ यहां से, अभी मुझे सो जाने दो। जाओ 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 जाओ। अब आपका मेहमान ही आपको जगा सकता है। कौन मेहमान? जनाब हर्जल, खुश आमदीद। क्या हुआ है? मुखबरी किसने की? मुखबरी की? मुझे क्या पता। पाया तख्त के तमाम सिपाहियों के पास मेरी तस्वीर है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। किसने बताया मेरा? अब्दुल हामिद को मेरी मौजूदगी का भी नहीं पता था पाशा। जनाब हर्जल, अब्दुल हामिद के फरिश्तों को भी मालूम नहीं होता कि वो कब और कहां पलट जाए, तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो क्या जानता है और क्या नहीं? जैसा भी है, मुखबरी करने वाला दो में से एक है, आप या जारूफ। मुझे नहीं मालूम, रोजे से हूं मैं, सच कह रहा हूं बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम। आप सफर करके आए हुए हैं, बैठ जाइए, थक गए होंगे, बैठकर बातें करते हैं, आइए।
हाय अल्लाह, जनाब हर्जल, बात यह है कि जनाब जाहरुफ बिल्ली की तरह महल में इधर उधर भागते फिर रहे थे, लेकिन उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता मैं। दोनों में से जो भी हो, भारी कीमत चुकाएगा इसकी। मैं समझता हूं, लेकिन इस वक्त आपको अपना इंतकाम मुलतवी कर देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पाए तक से निकल जाना चाहिए। मुमकिन नहीं है, हर तरफ सिपाही हैं। ये मुमकिन है जनाब हर्जल, मुमकिन है। आप फ्रांसीसी सिफारत खाने में सियासी पनाह लेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि आप फ्रांसीसी सिफारत खाने में हैं, तो पाए तख्त में वो आपको तलाश करना छोड़ देंगे। फिर एक रात कोई मुनासिब मौका देखकर आपको जहाज पर चढ़ा देंगे और आपसे अलविदाई मुलाकात करेंगे। क्या कहते हैं आप? जनाब हर्जल, जनाब हर्जल, जनाब हर्जल, जनाब हर्जल, जाने से पहले आखिरी बार एक साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। आपका तो रोजा है ना? रोजा है क्या? रोजा है, बिल्कुल रोजा तो है, लेकिन आज आप, हम आपको रुख्सत कर रहे हैं और आप सफर पर रवाना हो रहे हैं, लिहाजा क्योंकि आप सफर पर जा रहे हैं तो हम आपको सफर पर भेज रहे हैं, इसलिए हम पर भी रोजा फर्ज नहीं होगा। चलिए हम खाना खाते हैं जनाब फर्जल, इस तरफ चलिए, आइए। صدق اللہ العظیم، اللہ ہمارے سلطان کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کے اخبار میرے سلطان صبح سے آپ کے پاس لانا جا رہی تھی۔ کل جب آپ نے لڑکیوں کی شادی کا ذکر کیا تھا تو ہم خدیجہ سے بات کرنے چلے گئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کوئی پسند، کوئی ارادہ؟ جیران محل اپنے بابا سے مشورہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ؟ ہرگز نہیں، قواعد سے اچھی طرح واقف ہیں آپ۔ یہاں آنے پر انہیں مطلع کر دیا گیا تھا کہ واپسی ناممکن ہے۔ وہ تو ہے، مگر اپنے بابا سے بات کر لیں گی تو کیا حرج ہے؟ بیدار خاتون، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ریاست میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، مراد افندی کو تخت نشین کرنے کے لیے دشمن سازشیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ بیٹیاں اپنے بابا کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن یہ ریاست کے مفادات کے خلاف ہے، اس موضوع کو ختم کریں۔ اب कोई खबर मिली? नहीं, कोई भी नहीं आ जा रहा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है वाले उमर? शुक्र है अल्लाह का, उसे पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात है यूसुफ, कुछ कहना है क्या? हाँ कहना है, बिल्कुल कहना है, लेकिन कैसे कहूं? देखो मेरे भाई, बेशक रियासत हमारी जान से बढ़कर है, लेकिन ये कब तक? परेशान मत हो तुम, जो करना चाहते हो कर सकते हो। मेरे भाई, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी जेबें बिल्कुल खाली है, हमें कमाने की भी जरूरत है, क्या करें बताओ?
बताओ उस्मान भाई, क्या सूरत हाल है? वैसी ही है। हमारे सुल्तान को रस्सी से लटका दिया। यहां उनके सर पर बंदूक रखी हुई है। क्या दिखाएं मुझे? अंग्रेजों का काम लगता है, लिखा है बस बहुत हो गया। ये काम लाजमन वजीर आजम ग्लैडस्टोन का होगा। ये घटिया लोग उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बना रहे हैं। घटिया लोग हैं, अखलाक से गिरे हुए। इसमें उन्होंने सुल्तान को फांसी पर चढ़ा हुआ दिखाया है और लिखा है अब्दुल हमीद की हुकूमत का खात्मा। तौबा तौबा। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें। बदबख्तौर अखलाक बाख्ता लोग। अखलाक बाख्ता गिरे हुए इंसान है ये सुल्तान मुअज्जम। हमें दावत देने वाले अंग्रेजों का असल चेहरा ये है। जब मर्दानावार मुकाबला नहीं कर सकते, ओछी हरकतों पर उतर आते हैं। मेरे सुल्तान, अखबारात की तकसीम को रुकवा देता हूँ मैं। नहीं पाशा, ये पढ़ने दे सबको। हम चाहते हैं कि सब जान लें कि ये कितने बदअखलाक हैं, दुश्मन कितना खौफजदा है हमसे। हर हाल में हमें शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बुजदिल हैं। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र किस लिए मेरे सुल्तान? क्योंकि अल्लाह ने हमें दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत अता की। अगर वो हमारी तारीफ करें तो हमें खुद पर शुबा होने लगेगा। क्या हम जवाब नहीं देंगे? हम उन जैसे नहीं है पाशा, लेकिन यौम हिसाब जरूर आएगा। ये दिन वो होगा जब इंसाफ मांगने वाले, यतीमों की सरपरस्ती करने वाले, गरीबों के हमदर्द और मजलूमों की आवाज बनने वाले गालिब रहेंगे, यानी फतह हमारी होगी। वो समझते हैं कि सारे मसाइब और कोशिशें दुनिया को फतह करने के लिए ही हैं। तुर्कों को आलमी फतेह बनने की जरूरत है पाशा। हम नहीं गिर सकते, हम गिरे तो तारीख गिर जाएगी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वो लोग इन तस्वीर में हमारे सर पर बंदूक नहीं बल्कि मिल्लत के सर पर दिखाते हैं। मिल्लत की खातिर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक नहीं हजार सर कुर्बान कर देंगे। मेरे सुल्तान, दुश्मन की इस हरकत से परेशान मत हो आप। ये मामला हमारे हवाले कर दें, हम उन्हें मुनासिब जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि हम अखबारात की वजह से परेशान है पाशा? अगर वजह ये अखबारात नहीं है तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? फ्रांसीसी अखबार में लिखा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक शख्स ने अपने नाटक में इस्तेमाल किया है। वो नाटक आज रात पेरिस में दिखाया जाने वाला है। हमारे नबी की तौहीन की जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरेआम हमारे नबी की तौहीन करने लगते हैं। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे, अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देंगे। वो हमें मार डालें, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दें, अपने नबी की हुरमत के लिए हम राख बनकर भी उठ जाएंगे। आखिरत में अपने पैगंबर को मुंह दिखाने के लिए हम लड़ेंगे, कयामत तक उनसे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ये कागज के टुकड़े इस बात का सबूत है कि हमारा सामना गैरत से आरी दुश्मन से है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिफा से भी गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस के सफीर को फौरी बुलाया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान ने इनकार कर दिया है कि आप महल से बाहर नहीं जा सकती। इसका कोई हल निकालें। हमारा जिरान महल जाना बहुत जरूरी है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। सुल्तान के अहकामात की मुखालिफत करना मुमकिन नहीं है। आप वो खातून हैं जो महल में सबसे ज्यादा ताकत रखती हैं, और आपके भाई एक पाशा हैं। अगर इस खत के जरिए आपके भाई का जुर्म साबित हो गया तो आपकी ताकत का खात्मा हो जाएगा बेदार सुल्तान। हम अच्छी तरह जानते हैं कि
नजरों से गिर जाने का क्या अंजाम होता है। अगर आप चाहें तो सुल्तान के इल्म में लाए बगैर हमें यहां से निकाल सकती हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं हम। आपसे पनाह लेने मैं आया हूं, लेकिन परेशान आप ज्यादा दिख रहे हैं। इन उस्मानियों का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या कर बैठे। इन्हें कानून और इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं है। अगर गुस्से में आ जाएं, तो किसी भी सिफारत खाने का ख्याल नहीं करते ये। जनाब, आपको महल तलब किया गया है। ठीक है, लगता है उन्हें आपकी आमद का मालूम हो गया है। पाया तख्त में खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। आपको तलब किए जाने की वजह मैं नहीं, ये खबर है। थिएटर के इस ड्रामे में मुसलमानों के नबी को तनकीद का निशाना बनाया गया है। देखा आपने, इन्हें तनकीद भी बर्दाश्त नहीं। आप जाएं और अब्दुल हमीद को समझाएं। तौहीन और तनकीद में फर्क होता है। ये ज़हनियत होती है जो इंसान और जानवर के फर्क को खत्म करती है। और बाइबल कहती है रेवड़ के लिए भेड़ों की जरूरत होती है। अगर किसी सल्तनत के हालात खराब हों और अवाम सुकून से सोते रहें तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे सुल्तान, उनकी कोशिश है कि मुसलमानों को रुए जमीन से मिटा दिया जाए। उनके खिलाफ एक ही रियासत खड़ी हो सकती है, जो कि इस्लाम की वाहिद अलमबरदार है पाशा। उनको सबसे ज्यादा परेशानी उस्मानिया रियासत से है। आ जाए। कहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, एक बहुत अहम खबर है। थियोडोर हर्ज़ल ने फ्रांसीसी सिफारत खाने में पनाह ले ली है। इस बात का मतलब है कि इस्लाम के खिलाफ इनका फिर इज्तिमा होने वाला है। तहसीन पाशा, बंदरगाह से सिपाहियों को वापस बुला लें, सिफारत खाने का मुहासरा करें। मेरे सुल्तान, सिफारत खाने दूसरे सिपाही भेज दें ताकि अगर हर्ज़ल वहां से फरार होने की कोशिश करे तो निकल ना पाए। आपसे जो कहा है वही करें। बंदरगाह की निगरानी खत्म कर दें ताकि हर्ज़ल आसानी से फरार हो सके। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। जब मामला खत्म हो चुका था तो मकबूला को ऐसा खत छोड़ने की क्या जरूरत थी? हम नहीं जानते, हो सकता है स्नेहा ने जबरदस्ती लिखवाया हो। वालिदा, हम दोनों जानते हैं कि मामू बेकसूर है। हम दोनों के यकीन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास खत है जिसपे मकबूला के दस्तखत हैं और वो जा चुकी है। बाबा से कोई बात हुई आपकी? और खदीजा सुल्तान ने बाबा से मिलने के अलावा और कुछ नहीं मांगा आपसे? उनसे हमने इस बारे में बात की थी मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। यानी वो नहीं जा सकती। कोई और हल निकालना होगा हमें। एक रास्ता है अब्दुल कादिर, हम उसे सुरंग से बाहर भेजेंगे। क्या हुआ महमूद, कैसी तकलीफ है? बहुत सख्त हमला हुआ है, मार रहा है मुझे। कौन मार रहा है महमूद? ठीक तो है? पहले मेरे सर पर हमला हुआ, फिर मेरे फेफड़ों पर मुसलसल हमले किए और इस परी बस नहीं किया, अब पेट पर हमला कर रहा है। कौन हमला कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं महमूद? रोजा से निहार, रोजा यानी मेरी जान निकल रही है। कह रहा है मुझे तोड़ दो। ऐसा हरगिज मत सोचिएगा, जरा तहमुल से काम लीजिए, बहुत सवाब है इसका। क्या आप मुझे जानती नहीं है सेनेहा? मर जाऊंगा, रोजा नहीं तोड़ूंगा। आला, हिम्मत से काम लीजिए। आपको कुव्वत बख्शने के लिए एक अच्छी खबर है हमारे पास। अच्छी खबर है? क्या खबर है? मकबूला ने खत में महमूद पाशा का नाम लिखा है हमलावर के तौर पर। बिदार की हालत बहुत खस्ता हो रही है। क्या? यानी बिदार को वो सब करना होगा जो हम चाहेंगे। खदीजा सुल्तान को फौरन मुराद खान के पास जाकर इत्तला करनी चाहिए
और उसे सिर्फ मालूमात ही नहीं देनी बल्कि उसे एक दवा भी देनी है और वो दवा इतनी ताकतवर है कि सुल्तान मुराद उसे पीते ही बीमार हो जाएंगे, इतने बीमार हो जाएंगे कि उन्हें इलाज की खातिर अस्पताल ले जाना पड़ जाएगा। इन सब कामों में वाहिद रुकावट वासफी आफंदी है। वो वासफी आफंदी कहने को तो सिर्फ एक आम सा मुलाजिम है लेकिन ऐसा है नहीं, असल में अब्दुल हमीद ने उसे वहां तैनात किया है। इसलिए इस मंसूबे की कामयाबी के लिए हमें खदीजा सुल्तान को राजी करना होगा कि वो वासफी आफंदी को भटकाए। कैसे? मसलन ये कि वो वासफी आफंदी से मीठी मीठी बातें करे। वासफी वासफी वासफी, आप मेरे दिल का सुरूर है वासफी। ऐसी बातें करे उनसे, ऐसी बातें करेगी तो मक्खन की तरह पिघल जाएगा वो, उसकी मुजाहिमत खत्म हो जाएगी। सुल्तान मुराद को बीमार होते ही अस्पताल ले जाया जाएगा और हमारा मंसूबा मुकम्मल। लेकिन महमूद, अखलाकी तौर पर ये बात बहुत मायूब लगती है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो कोई हर्ज नहीं इसमें। सेनिहा, बात यह है, जो मंसूबा नाकाम हो जाए वो गैर अखलाकी होता है और जो मंसूबा कामयाब हो जाए वो अखलाकी होता है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, सारी तवज्जो कामयाबी पर लगा लें और फिर बेफिक्र हो जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आह, ये प्यास मार रही है। रुक जाओ वहीं। सुल्तान मोहतरम थियोडोर हर्जल हमारे सिफारत खाने में मेहमान है। कौन है ये हर्जल? ये मत समझो कि उस मामूली आदमी के लिए तलब किया है हमने तुम्हें यहां। फिर क्यों तलब किया गया है मुझे? बात सुनो सफीर, हम मुसलमान अपने पैगंबर से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी के उनसे मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान निसार कर दी उनकी हुरमत पर, तरद्दुद किए बगैर हम भी कर देंगे। सुना है कि पेरिस में आज रात एक नाटक का इनेकाद किया गया है जिसमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी का इरादा है। हम बाल्कन, इराक, सीरिया, जबले लबनान, हिजाज, कफकाज, अनातोलिया और पाये तख्त के सुल्तान हैं। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह और बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। इस तरह की सरगर्मियों को रोकना नामुमकिन है हमारे लिए। इन सब बातों के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान का मुकाबला करना आपके लिए नामुमकिन है। जाइए। ठीक है, हम आपको महल से बाहर भेज देंगे। तो सुल्तान को राजी कर लिया आपने? नहीं कर सके। तो यहां से बाहर कैसे जाएंगे? अब्दुल कादिर अफंदी के कमरे से एक सुरंग महल से बाहर जाती है, वहां से जाएंगी आप। हमें लगा था कि सुरंगों की बातें अफवाहें हैं। इसका मतलब है कि वक्तन फवक्तन अब्दुल कादिर के फरार होने की खबर दुरुस्त है? शहजादे के बारे में आप कुछ ना कहें तो बेहतर है। उस खत के बारे में आप ज्यादा खुश मत हो खदीजा। हमने बहुत ताकतवर लोग देखे हैं इस महल में, जिनका अब कोई नामो निशान नहीं रहा। हमें गलत मत समझिएगा सुल्ताना, हम शहजादे की बुराई नहीं कर रहे। सब जानते हैं कि उन्हें आजादी पसंद है। जितना जल्द मुमकिन हो तैयार हो जाए आप। हम तैयार होते ही आपको खबर कर देंगे। खैरियत तो है? क्या तुम मुझे तलाश कर रहे थे? जी हां, नौकरी चाहिए मुझे। आओ बैठो यहां।
मुझे तुम जैसे मुलाजिम की तलाश थी। काम क्या है? बंदरगाह पर तुम्हें मेरी जगह काम संभालना है। मतलब धोखेबाजी करनी है? ऐसा तो ना कहो। हम धोखेबाजी नहीं करते, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं और बदले में वो हमें हमारा हिस्सा देते हैं। मैं सोचकर बताता हूं। रुको रुको, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ शराकत दारी करो। कुछ दिन मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मुझे तुम जैसे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। शराकत दारी? बिल्कुल। हासिल शुदा रकम का 20% तुम्हारा, बाकी तुम मुझे दोगे। तो मिलाओ हाथ। बिल्कुल कह रहे हो पागा। लिखिए पाशा। फ्रांसीसी अपनी इस्लाम दुश्मनी में सारी अखलाकी हदें पार कर चुके हैं। इस्लाम के खिलाफ उन लोगों के रवैयों ने हमारा सब्र खत्म कर दिया है। फौरी तौर पर अलम खिलाफत बुलंद करना और फ्रांसीसी फौजी दस्ते के खिलाफ जिहाद करना, इस रुए जमीन पर इस्लाम के खलीफा अब्दुल हमीद का हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मन से अब उसी की जबान में बात करेंगे हम। अरे रुकिए उमर भाई, रुक जाइए रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, मालूम करना होगा इसने क्या बात की है। चलिए। क्या हुआ बेटी, क्या बेदार राजी हो गई? जी हाँ पप्पी जान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा, आपके बाबा के साथ एक वासफी नामी शख्स होता है। जी बिल्कुल, जानते हैं हम। महमूद ने कहा है कि उसे अपने साथ मिलाए बगैर ये काम हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये कोई आसान काम नहीं है, उसे अपने साथ मिलाए कैसे? देखिए बेटी, काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असल में वो शख्स निहायत सादा और बेवकूफ है। अगर आपने उसे निकाह का इशारा दिया तो। समझ गए हम, बेफिक्र हो जाएं आप, सब कुछ कर सकते हैं हम, बस हमारे बाबा पर कोई आंच ना आए। छोटा सा धोखा देने से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। हमारा मंसूबा घड़ी की तरह ऐन वक्त पर है जनाब शाहरुख। बंदरगाह से सिपाहियों को हटा दिया गया है, मगर जब हर्जल बंदरगाह जाएगा, अब्दुल हमीद हर्जल को पकड़कर वो किताब हासिल कर लेगा और फिर वो किताब हम लोग हासिल कर लेंगे। बहुत खूब, कामयाबी बहुत करीब है पाशा। मगर असल काम तो अब शुरू होने वाला है। अब्दुल हमीद अपने भाई मुराद को मरवाना चाहता है और ये कभी होने नहीं दूंगा मैं। वाह पाशा, मंसूबे पर मंसूबा। उम्मीद करता हूँ कि कोई गलती नहीं होगी। आप एक साथ दो मंसूबों पर कैसे अमल करेंगे? मैं किताब के हुसूल के लिए काम करूँगा जो ज्यादा पेचीदा काम है, और सबहत तीन निस्बतन आसान काम करेगा, वो मुराद खान को अगवा करेगा। पाशा, अब्दुल हमीद हमें कहीं चारा ना डाल रहा हो। चाहे जो भी जाल अब्दुल हमीद ने बिछाया हो, हम तोड़ देंगे। जनाब ज़ाहरूफ, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। ये सुरंग का नक्शा है खदीजा, और इस पे सुरंग की तफसील भी लिखी हुई है। लेकिन
हम इस सुरंग में दाखिल कैसे होंगे? यहां से चाहिए। ठीक है उस्मान भाई, पैगाम मौसूल हो गया है। अब तुम ये लेकर महल जाओ, मैं उसके घर पर जाकर छापा मारता हूं। उमर भाई सब्र करें, पहले जवाब तो आ जाने दें। शहजादी, हमें हुक्म दिया गया है कि सुल्तान मुराद से कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। वस्फी साहब, हम यहाँ सुल्तान की इजाजत से आए हैं, रात होने से पहले हमें बाबा से मिलकर वापस भी जाना है। माजरत चाहता हूँ शहजादी, आप नहीं मिल सकती। वस्फी साहब, जरा हमारी तरफ देखिए, हम यहाँ बाबा से अपने निकाह की बात करने के लिए आए हैं। हम और बाबा आपको कई सालों से जानते हैं, और ये तो हर कोई जानता है कि आप कितने बाअदब और वफादार हैं। बहुत शुक्रिया शहजादी। हमें लगता है कि आप शाही खानदान के लिए एक मौजूद दामाद साबित होंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबा से इस मौजू पर बात कर लें हम। लेकिन वस्फी साहब, मेहरबानी करके इस बात का जिक्र किसी से नहीं कीजिएगा। बेफिक्र हो जाएं शहजादी, किसी को मालूम नहीं होगा। तशरीफ रखिए। कैसा गुजरा आज का रोजा? बहुत अच्छा गुजरा बाबा जान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमान रमजान के पहले दिन एक बीज बोता है, तीसरे दिन वो बीज उगना शुरू हो जाता है, दसवें दिन वो बीज जड़ और तने वाला पौधा बन जाता है, फिर उसकी शाखें फैलने लगती हैं, बीसवें दिन शाखों पर पत्ते निकल आते हैं, सत्ताईसवें दिन उन शाखों पर फूल खिलने लगते हैं, आखिरी दिन वो अपने फूलों और फलों के साथ एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी जड़ें गहराई को और शाखें आसमान को छूने लगती हैं। रोजे का नूर मुसलमान के चेहरे पर दिखाई देता है। बहुत खूबसूरती से बयान किया आपने। हर साल रमजान के मुख्तलिफ रंग होते हैं, रमजान मुख्तलिफ मौसमों में आता है। कभी आपको रमजान में खरबूजे की कमी महसूस होती है, और कभी सर्दियों के हलवे की। आज क्या याद आ गया आपको? हमने सिर्फ रमजान को याद किया मलिका। शुक्र है अल्लाह का कि हमें ये रमजान देखना नसीब हुआ। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा क्यों शरीक नहीं है? मेरे सुल्तान, उनकी तबीयत कुछ नासाज है, शायद इसी वजह से नहीं आ सकी। मुआलिज से मुआयना करवाया उनका? जी मेरे सुल्तान, दिखा दिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। Thank you.
बाबा, बाबा जान, आपको ये दवा पीनी होगी। अब्दुल हमीद ने आपके कत्ल का फतवा जारी किया है। आप ये पी लें तो हम आपको यहाँ से ले जा सकेंगे। स्नेहा भूपी हमारी मदद करेंगी। हमारी बात मान लें बाबा, हमारी खातिर, रियासत की खातिर पी लें बाबा। आप ही इस रियासत के हुक्मरान हैं। हमने बिदार सुल्तान के भाई के मुतालिक कुछ सुना है। खैरियत है, क्या सुना है आपने? हमारा मतलब है, क्या वाकई आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? हमने कुछ नहीं सुना, आप बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था, ऐसी कोई खास बात नहीं। माफ कीजिएगा। तो आखिर खत भेजने वाली ये थी, मतलब आप भी इस खेल में शामिल हो ही गई फातिमा पसंद। अब्दुल कादिर, खदीजा वापस आई? अब तक नहीं आई। वो आती तो मालूम हो जाता, इतनी गहरी नींद में नहीं थे हम। अब जाकर बाबा को बताएं कि खदीजा जिरान महल गई है और उनको हमने नहीं, स्नेहा ने भेजा है। बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। वालिदा, फिर ताया जान का क्या होगा? मराकश की कार्रवाई शुरू कर दी पाशा? कर दी है मेरे सुल्तान। आफरीन, बंदरगाह से सिपाही हटा दिया आपने? हुक्म पर अमल हो चुका है। बहुत खूब मेरे सुल्तान। जाल बिछाने का वक्त आ गया है पाशा, फरहान को तैयार करें। क्या हमें कोई फौजी दस्ता भी तैयार करना है? नहीं, हम अकेले ही होंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। बुरहानुद्दीन अफंदी, आप जानते हैं कि क्या करना है। अजीम फ्रांस के इस काबिले रहम सवाल को देखें, जिल्लत आमेज। क्या है ये? अब्दुल हमीद क्या चाहता है? एक ऐसा सवाल है जिसमें इतराफ, बेबसी और जिल्लत है। यह शर्मनाक है। अब्दुल हमीद अगर कह दे कि सब मर जाओ तो क्या मर जाएंगे? मतलब अब्दुल हमीद ने कोई चाल चली है। लानत हो जाबिर खूनी सुल्तान। ये क्या है? अब उस्मानी कासिद आया है, बहुत सख्त सिफारती पैगाम दिया है। अब्दुल हमीद फ्रांस की हुकूमत से वो ड्रामा बंद करने का मुतालबा कर रहा है। अगर फ्रांस को बरवक्त आगा कर दिया होता आपने और अब्दुल हमीद से सुलह की ख्वाहिश की होती तो ये नौबत ना आती। उम्मीद है आप ये मसला हल कर लेंगे। खैर, बंदरगाह खाली हो चुकी होगी, मुझे जाना चाहिए, एक बग्गी मंगवा दें। बग्गी तो आ जाएगी, मगर आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। परेशान ना हो आप, मैं पानी की तह देखे बगैर उसमें पाँव नहीं डालता। मुकद्दस जंग मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।
मैं उसके पीछे जा रहा हूं, तुम ये पैगामत महल पहुंचाओ। उमर भाई, हमें हिरम की जरूरत पड़ सकती है, पैगामात खुफिया हैं, इन्हें पढ़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। अब उस बदबख्त इंसान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम महल जाओ उस्मान, पैगाम लेकर। हाँ शहजादे, कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास जा रहे हैं। खैरियत है? खदीजा सुल्तान महल से जा चुकी हैं। कहाँ? जरान महल, हम यही बताने जा रहे हैं। शहजादे, मैं आप में बड़ी तब्दीली देख रहा हूं। आजादी का ख्वाहिशमंद शहजादा रुखसत हो गया, उसकी जगह बुरहानुद्दीन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है सबातीन। ऐसा ही है शहजादे, ऐसा ही है। वैसे भी खदीजा सुल्तान से आपको क्या, वो सालों तक जिरान महल में कैद रही, फिर वो यहां आई और यहां कैद हो गई। अगर वो जिरान महल गई हैं तो अपने बाबा से मिलने गई होंगी, याद आ रही होगी, और आप जाकर अपने बाबा से उनकी शिकायत करेंगे। क्या मिलेगा आपको? गौर करें खुद पे, जरा देखें खुद को, आप बदल गए हैं बहुत। क्या बुरहानुद्दीन जैसा बनना चाहते हैं? बुरहानुद्दीन जैसा नहीं बनना हमें। बनते जा रहे हैं शहजादे। हारे हुए लोग अपने हरीफ की नकल बन जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं शहजादे, हुक्मरान खानदान में आजादी के वाहिद आशिक आप हैं। बुरहानुद्दीन से शिकस्त के डर से आप में उसकी शबाहत आ रही है। ऐसा मत करें शहजादे, मत करें ऐसा। आपका मकसद क्या है सबातीन? मैं शहजादे की हिफाजत करना चाहता हूं, उस शहजादे की जो नए ख्यालात के साथ हुकूमत करने की सलाहियत रखता है, उससे बहुत उम्मीद है मुझे। जाएं, चले जाएं, जाएं। सुल्तान वही है, लेकिन आजादी की ख्वाहिश को दिल से निकाल दें, उम्मीद का चराग बनना छोड़ दें। जाइए। ठीक कहा आपने। अगर आजादी की सोच सहन में होगी तो आपका रास्ता दुरुस्त होगा। आजादी की रोशनी सीधा रास्ता दिखाएगी आपको। यहां क्या कर रहे हो सबातीन? कुछ नहीं, मैं अभी जाके वो मामला सही करता हूं। नहीं, वो खतरनाक है, और अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता मैं। तुम इस रियासत का मुस्तकबिल हो बेटा, तुम मुराद खान का मामला संभालोगे। कैसे? मुराद खान का मामला बहुत अहमियत का हामिल है। क्या वो खतरनाक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जाल है सबातीन, सबातीन को जाल में फंसाया गया है। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका है। सुल्तान बनने का हक हमें नहीं, आपको है। हमारे प्यारे बेटे, हमारे लखते जिगर सबातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। महल खाली हाथ नहीं लौट सकते, किसी को कुर्बानी देनी होगी।